दोस्तों इरफान खान आज हमारे बीच नहीं रहे और ये खबर बॉलीवुड इंडस्ट्री और इरफान खान के फैंस के लिए बहुत दुख भरी है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम द ग्रेट इंडियन एक्टर इरफान खान की जिंदगी पर एक नजर डालेंगे कि किस तरह इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और किस तरह वो अपनी जिंदगी से कैंसर की वजह से जंग हार गए। इरफान खान की जिंदगी से जुड़ी हर चीज बताएंगे आज हम इस लाइफस्टाइल वीडियो में। आपको बता दें कि इरफान खान इंडिया के सबसे बेहतरीन और उम्दा अदाकारों में से एक थे और इरफान खान का नाम जब भी किसी फिल्म से जुड़ जाता था तो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो या ना हो लेकिन हमारे दिलों में फिल्म सुपर हिट होती थी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इरफान खान को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें। अगर आप दिल से इरफान खान को पसंद करते हैं तो आपका एक लाइक तो बनता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इरफान खान का फुल नेम साहबजादे इरफान अली खान था और इनका स्क्रीन नेम इरफान खान था और इनका जन्म 7 जनवरी 1967 को जयपुर राजस्थान में हुआ और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी थी 53 इयर्स। आपको बता दें कि आज 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान की डेथ हो गई है और 20 अप्रैल को ये खबर आई थी कि इरफान खान की सेहत अचानक बिगड़ने से उन्हें मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और इस खबर से काफी पैनिक क्रिएट हुआ उनके चाहने वालों में। उसके बाद फिर इरफान खान के मैनेजर ने एक इंटरव्यू में बताया कि इरफान खान को कॉलन इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और इरफान खान इस वक्त डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। आपको बता दें कि 2 साल पहले मार्च 2018 में इरफान खान ने अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए कैंसर होने की खबर दी थी और ये खबर देने के बाद वे लंदन चले गए ट्रीटमेंट के लिए और लंबे वक्त तक इस बीमारी से लड़ने के बाद वे पिछले साल भारत वापस लौटे और वापस लौटने के बाद उन्होंने एक मूवी में भी काम किया जिसका नाम था अंग्रेजी मीडियम और ये मूवी उनकी जिंदगी की आखिरी मूवी थी। इरफान खान ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से डिप्लोमा किया था ड्रामेटिक आर्ट्स में। इरफान खान बचपन से ही काफी टैलेंटेड थे और एक्टिंग में भी इन्हें काफी दिलचस्पी थी जिसकी वजह से 1984 में मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई करते हुए इरफान खान को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्कॉलरशिप मिली। इरफान खान ने बहुत सारे थिएटर शोज में भी काम किया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इरफान खान मुंबई चले गए। इरफान खान पेशे से एक एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इरफान खान के कैरियर की। इरफान खान ने अपने कैरियर की शुरुआत टीवी शो से करी और इन्होंने सबसे पहले जिन शोज में काम करा उनके नाम थे चनकिया, भारत एक खोज और बनेगी अपनी बात। इसके अलावा इरफान खान के मेनन के साथ स्टार प्लस के शो डर में भी काम कर चुके हैं। इरफान खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 में करी फिल्म सलाम बॉम्बे के साथ और इस मूवी में इन्हें एक छोटा सा रोल मिला लेकिन इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि मूवी के फाइनल प्रीव्यू में इनका रोल ही काट दिया गया और आगे इरफान खान को और भी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। इसके बाद 1990 में एक मूवी आई जिसका नाम था एक डॉक्टर की मौत। इस मूवी में इरफान खान को एक छोटा सा रोल मिला और इसके साथ साथ इन्होंने और भी छोटे मोटे रोल किए दूसरी मूवीज में जिनके नाम थे पिता, बड़ा दिन और पुरुष। लेकिन इन सभी मूवी में ऑडियंस ने इरफान खान को नोट ही नहीं किया और यहाँ तक इरफान खान अपनी जिंदगी में नाकाम ही नाकाम हो रहे थे। इरफान खान के एक्टिंग करियर का अच्छा वक्त शुरू हुआ 2001 से जब उन्होंने द वॉरियर मूवी में काम किया और इस मूवी को 2001 के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया और इस मूवी में इरफान खान के किरदार को बेहद पसंद किया गया और इस मूवी ने इरफान खान के करियर को 4 चांद लगा दिए। इसके बाद 2004 में इरफान खान को हासिल मूवी में किए गए नेगेटिव रोल की वजह से अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला बेस्ट विलन की कैटेगरी में। इस मूवी के बाद इरफान खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद 2005 की मूवी रोग में इरफान खान ने पहली बार लीड रोल प्ले किया। इसके बाद 2007 में मूवी मेट्रो की वजह से इरफान खान को उनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में और 2007 में ही इरफान खान ने दो हॉलीवुड मूवीज में काम किया जिनके नाम थे अ माइटी हर्ट और द दार्जिलिंग लिमिटेड। इस वक्त तक बॉलीवुड का हीरो अब हॉलीवुड तक पहुंच चुका था। इरफान खान ने अपनी जिंदगी में कई सारी हिट मूवीज दी हैं जिनके नाम है स्लमडॉग मिलियनेयर, न्यूयॉर्क, पान सिंह तोमर, सात खून माफ, लाइफ ऑफ पाई और पीकू और हाल ही में उनकी मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था अंग्रेजी मीडियम। दोस्तों आपको इरफान खान कैसे लगते थे हमें नीचे कमेंट करके बताएं और आपको इरफान खान की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद थी हमें नीचे कमेंट करके बताएं।
अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इरफान खान के अवार्ड्स के बारे में। इरफान खान को कई सारे आईफा, फिल्मफेयर और जी सिने अवार्ड्स मिल चुके हैं उनकी मूवीज सात खून माफ, पान सिंह तोमर, पीकू और हिंदी मीडियम की वजह से। 2011 में इंडियन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल की तरफ से इरफान खान को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। इरफान खान को नेशनल फिल्मफेयर अवार्ड से भी नवाजा गया उनकी मूवी पान सिंह तोमर की वजह से। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं इरफान खान की फैमिली से। इरफान खान की बीवी का नाम है सुतापा सिकदर। इरफान खान के बेटों का नाम है बाबिल खान और आयान खान। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं इरफान खान की इनकम की। इरफान खान एक मूवी करने के 5 करोड़ रुपए चार्ज करते थे। इरफान खान की ज्यादातर इनकम उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट से आती थी जिसके वो 1 करोड़ रुपए चार्ज करते थे। और इसके अलावा इरफान खान ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई थी 20 करोड़ की, उनसे भी इनकी अच्छी इनकम होती थी। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इरफान खान की नेटवर्थ की। इरफान खान की नेटवर्थ है 80 करोड़ रुपए और पिछले 3 सालों में इरफान खान की नेटवर्थ में 80% की इंक्रीज आई थी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इरफान खान के हाउस की। आपको बता दें कि इरफान खान मुंबई में एक शानदार घर में रहते थे जिसकी प्राइस थी 13 करोड़ रुपए और इन फोटोज और वीडियोस में आप उनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इरफान खान की कार्स कलेक्शन के बारे में। इरफान खान को ज्यादा लग्जूरियस कार्स रखने का कोई शौक नहीं था। इरफान खान के पास सिर्फ एक ही कार थी जिसका नाम था टोयोटा एटियोस और इसकी प्राइस थी 10 लाख रुपए। तो ये थी इरफान खान की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप इरफान खान के फैन है तो इस वीडियो को कर दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और हमें नीचे कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी पर चाहते हैं आप। Subscribe our channel and we hope that you like our videos and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com which is shown in the video and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.